Hello everybody, I am Akriti Kuthyala and welcome back to my channel. We will continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic welded connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we have discussed an introduction to IS 800-2007 and we have discussed in great detail bolted connections. We were discussing welded connections in which we have discussed its advantages and disadvantages, types of welds, weld defects, types of fillet welds, terminology used in fillet welds, longitudinal, transverse and intermittent fillet welds, and we've also discussed a short numerical based on design of fillet welds. So in this lecture, we'll continue to discuss a very important numerical problem based on design of fillet welds. So dekhte hain kya hai. Design a fillet weld for the angle section ISA 80 mm by 50 mm by 8 mm. Steel grade is Fe410. Welded to a 12 mm thick gusset plate at site. Assume the welding is done on three sides. तो ये हमें question दिया है, इसमें हम देखते हैं हमें क्या-क्या data given है. तो सबसे पहले तो हमें given है कि आपके पास एक ISA section मतलब एक angle section है 80 mm. by 50 mm by 8 mm का. तो उसे पहले हम steel tables में locate करेंगे. जब आप steel tables में देखते हैं, क्योंकि ये section कैसा है, unequal angle है. मतलब इसकी जो legs होंगी, वो कैसी हैं? Unequal legs हैं. तो आप unequal legs वाले page पे जाएंगे और वहाँ पे ISA 80 by 50 पे मैं पहुँच गई. तो ISA 80 by 50. अब हमारे पास यहाँ पे various thicknesses given हैं 5, 6, 8 and 10. हमें क्वेश्चन में 8 mm थिकनेस दी थी, तो हम उसके कोरिस्पोंडिंग जो वैल्यूज हैं उनको नोट कर लेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या नोट करना होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इम्पोर्टेंट है कि आप ये सेक्शनल एरिया जो है उसे नोट करें, साथ में आप ये भी देखें कि किस यूनिट में आपको गिवन है. तो सेक्शनल एरिया अगर मैं लिखूँ, सेक्शनल एरिया ऑफ ISA 80 by 50 by 8 इज इक्वल टू 9.78 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसे हम लिख सकते हैं 978 mm स्क्वायर. मैं mm में इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि हमारी बाकी सारी कैलकुलेशन या बाकी सारी वैल्यूज किस में है, mm में है. तो हम सेंटीमीटर में अगर यूज़ करेंगे तो एरर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए हम शुरू में ही इसे कन्वर्ट कर लेते हैं mm स्क्वायर में. साथ में हमें क्या चाहिए है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखें जो आपके स्टील टेबल के टॉप पे प्रोवाइडेड होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके इस सेक्शन की, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है आपका सेक्शन, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे दे रखी है दो एक्सिस के अलोंग. एक है एक्स एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमें गिवन है वाई वाई एक्सिस के अलोंग. तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए. हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे कि हमें ये क्यों चाहिए, हम कैसे यूज करते हैं, बट ये हमें वैल्यू दे रखी है. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है आपके इस पूरे सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पर एक्स एक्सिस के लिए क्या उसका वैल्यू होगा, सी एक्स एक्स. तो यहाँ पे हमें दे रखा है सी एक्स एक्स किस में, सेंटीमीटर्स में, एंड इज इक्वल टू 2.73. सो आई कैन राइट सी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2.73 सेंटीमीटर्स. अगेन मैं इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लूंगी, तो 27.3 मिलीमीटर इज माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग लेग. वहां से कितनी दूर है आउटस्टैंडिंग लेग, मतलब ये वाली लेग जो है इससे 27.3 mm दूर है मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी. तो ये चीजें हमने स्टील टेबल से ले ली. आपको आई होप स्टील टेबल अब रीड करना आ गया होगा, हमने ड्राइंग के लेक्चर्स में भी ये देखा था कैसे किया जाता है. अब और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखा है कि गसेट प्लेट है. पहले तो एंगल दिया था, हमने एंगल की और इंफॉर्मेशन ले ली यूजिंग स्टील टेबल्स. गसेट प्लेट की थिकनेस हमें दे रखी है इक्वल टू 12 mm. फिर हमें बोला गया है कि द वेल्डिंग इज डन एट साइट. तो कैसी वेल्डिंग है, साइट वेल्डिंग है. साइट वेल्डिंग का क्या मतलब हुआ, साइट वेल्डिंग का मतलब हुआ कि गामा एम डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1.5
5, और ये मैंने कहाँ से लिया है, टेबल 5 से वैल्यू ली है। मुझे यहाँ पे सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए थी कि वेल्डिंग आपकी साइट पे हुई है या फिर आपकी शॉप में हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और हमें बोला गया है कि जब आप वेल्डिंग करें तो आप उसको 3 साइड से वेल्ड करें, तो ये इम्पोर्टेंट है कि 3 साइड से वेल्डिंग हमें करने को बोला गया है। और हमें स्टील का ग्रेड दिया है, यहाँ पे वेल्ड मेटल का ग्रेड नहीं दिया है, पर जो एंगल हम यूज कर रहे हैं उसका ग्रेड दिया है, एंड दैट इज इक्वल टू 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो हमें इनडायरेक्टली उन्होंने एफयू की वैल्यू दे दी है। सो ये सारा डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसका एक फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक गसेट प्लेट है, और गसेट प्लेट पे हमने क्या लगाया है, एंगल लगाया है। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमने ये एक गसेट प्लेट बना दी है जो ट्रेपेजॉइडल शेप की, यहाँ पे जिससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कितनी थिक है, 12 mm थिक है। यहाँ पे हमने एक एंगल बनाया है, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख सकते हैं जो इसकी आउटस्टैंडिंग लेग है उसको मैंने डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अगेन हम ये ड्रॉइंग में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप ये देखें तो मैं इसको यहाँ से बना रही हूँ, इस साइड से अगर आप देखें, ये फ्रंट एलिवेशन अगर आप इसकी देखेंगे तो मुझे ये वाली लेग कैसी दिखाई देगी, एक डबल लाइन के जैसे दिखाई देगी, तो वही हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है। फिर हमने क्या किया है, क्योंकि ये अनइक्वल एंगल है तो जो बड़ी लेग है, बड़ी लेग कौन सी है, 80 mm की लेग, उसको मैंने फिक्स कर दिया है, और जो छोटी लेग है वो क्या है, मेरी आउटस्टैंडिंग लेग है। तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये हमारी गसेट प्लेट है, जिसे मैं शेड कर देती हूँ, ये हमारी गसेट प्लेट है, और गसेट प्लेट के ऊपर हमने क्या अटैच किया है, एक एंगल सेक्शन अटैच किया है जिसकी जो छोटी लेग है, क्योंकि अनइक्वल एंगल सेक्शन है तो छोटी लेग मेरी आउटस्टैंडिंग लेग है, और जो लॉन्गर लेग है उसे मैंने गसेट प्लेट के साथ विद द हेल्प ऑफ वेल्ड उसको ज्वाइन किया है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने वेल्डिंग 3 साइड्स पे करनी है, तो हमने अज्यूम करा है कि हर साइड पे आपने क्या किया है, वेल्ड कर रखा है। तो दिस इज द फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक वेल्ड, एक साइड जो है ये वाला वेल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी साइड ये वाला वेल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरी साइड ये वाला वेल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग क्या पास करेगा, इसका सीजी पास करेगा। सो दिस लेंथ इज सी एक्स एक्स विच इज इक्वल टू 27.3 mm, जैसा हमने स्टील टेबल से ऑब्टेन किया था। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है उसका फिगर हो गया है। अब हमने क्या किया है, हमने अज्यूम किया है, क्योंकि हमें कुछ और क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर आप देखें तो हमें क्वेश्चन में इस पी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमें कुछ कुछ वैल्यूज अज्यूम करनी होंगी, कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द साइज ऑफ द वेल्ड। तो साइज ऑफ द वेल्ड क्या होगा, साइज ऑफ द वेल्ड एज पर क्लॉज 10.5.2.3 हम एस मिनिमम निकाल सकते हैं। एस मिनिमम क्या हो जाएगा, एस मिनिमम विल बी इक्वल टू जो भी आपका थिकर प्लेट है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि क्या वैल्यू है। तो हमारे पास थिकर प्लेट गसेट प्लेट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 12 mm की। तो अगर 12 mm की वैल्यू है तो मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड कितना हो जाएगा, 5 mm। तो एस मिनिमम कितना हो गया, 5 mm, और ये मैंने कहाँ से कैलकुलेट किया, मैंने टेबल 21 से ये कैलकुलेट किया। अब देखते हैं क्लॉज 10.5.8.2 से एस मैक्स की वैल्यू, क्योंकि ये जो एंगल है ये एक रोल्ड सेक्शन है, तो क्लॉज हम 10.5.8.2 यूज कर रहे हैं जो बोलता है कि 3/4 ऑफ टी मिनिमम जो है ये मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड होना चाहिए। टी मिनिमम हमारे पास 8 है, सो 3/4 ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 6 mm। तो हमारे पास रेंज आ गई है, जो आपका एस है वो 5 mm से बड़ा होना चाहिए और 6 mm से छोटा होना चाहिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा हमारा साइज है, अज्यूमिंग साइज ऑफ द वेल्ड इज इक्वल टू 6 mm, तो ये मैंने अज्यूम कर लिया अपने कोड को यूज करके। तो ये होगी हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन जो हमें करनी थी, जो अजम्पशंस करनी थी।
नेक्स्ट जो हमें अजम्पशन करनी होती है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है हमारा इफेक्टिव थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्लॉज 10.5.3.2 से हम लेंगे, जो बोलता है कि आप पहले एंगल सिलेक्ट कीजिए। आप एंगल अज्यूम करेंगे, हम मोस्टली कौन सा एंगल अज्यूम करेंगे, जो हमें लार्जेस्ट वैल्यू देता है। तो मैंने 90 डिग्री अज्यूम कर लिया, इसलिए मैंने के की वैल्यू कितनी अज्यूम कर ली, इक्वल टू 0.7। तो मैं बोल सकती हूँ अज्यूम के इज इक्वल टू 0.7। तो थ्रोट थिकनेस कितनी हो जाएगी, थ्रोट थिकनेस है इक्वल टू टी टी इज इक्वल टू के टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड। तो के 7.7 है और साइज ऑफ द वेल्ड 6 है। तो हमारे पास टी टी की वैल्यू, थ्रोट थिकनेस की वैल्यू कितनी आ गई, 4.2 mm। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया अगेन यूजिंग द कोड। अब अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ये वैल्यू ऑफ पी नहीं दिया है कि कितना लोड जो है वो मेरे इस जॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा हो तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हम क्या करते हैं, हम यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं प्लेट की या जो भी मेंबर है उसकी, और उसकी हेल्प से पी कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स सी। तो हम अज्यूम कर लेंगे इसको यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट हमें देता है क्लॉज 6.2। तो क्लॉज 6.2 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्लेट है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी टी डी जी इज इक्वल टू ए जी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। तो ए जी यहाँ पे क्या है, ए जी इज द ग्रॉस सेक्शन जो हमने कैलकुलेट किया था स्टील टेबल से, जो हमने अभी यहाँ पे अस्यूम करा है या ऑब्टेन करा है स्टील टेबल से सेक्शन एरिया। तो ये सेक्शन एरिया कैसा हो जाएगा, ग्रॉस सेक्शनल एरिया। सो दिस इज इक्वल टू 978 mm2। एफ वाई क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि हमें एफ ई 410 दे रखा है। तो एफ वाई कितना हो जाएगा, 250 newton per mm2। नेक्स्ट हमें पता करना है गामा एम नॉट। तो गामा एम नॉट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, इसकी वैल्यू है इक्वल टू 1.1। और ये हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है, टेबल 5 से। तो टेबल 5 ने हमें ये गामा एम नॉट की वैल्यू दे दी। अब हम ये टी डी जी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पी नहीं दिया था क्वेश्चन में। तो मैं पी को कितना अज्यूम कर लूँगी, पी को अज्यूम कर लूँगी इक्वल टू टी डी जी। सो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, टी डी जी इज इक्वल टू ए जी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट विच इज इक्वल टू 978 इंटू 250 अपॉन 1.1। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आता है 22270 newton। तो इसको मैं सिंपल टर्म्स में लिख सकती हूँ, 222.27 × 10³ newton, या फिर 2022.27 kN। तो हम किसी भी फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअल में हमारे पास क्या आया है, टी डी जी आया है, पर हम इसको क्या ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं इक्वल टू जो भी हमारे इस जॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है पी के इक्वल। सो मैंने अज्यूम कर लिया कि पी किसके इक्वल है, 222.27 kN। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने, अगर आप फिगर में देखें तो मैंने जो ये लेंथ अज्यूम करी हैं, ये सारी की सारी लेंथ अनइक्वल हैं। सो आई कैन राइट L1 इज नॉट इक्वल टू L2 इज नॉट इक्वल टू L3। तो हम, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पे हमें ज़्यादा लेंथ चाहिए, कहाँ पे हमें कम लेंथ चाहिए, तो हमने जो अजम्पशन करी है उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी लेंथ अलग अलग हैं। बट हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये जो ये L3 लेंथ है ये किसके इक्वल होगी, 80 mm के इक्वल होगी, क्योंकि एंगल कितने का है, 80/50/8 का, और हमने 80 mm वाला जो लेग था उसको कनेक्ट किया था। सो आई कैन से कि L3 इज इक्वल टू 80 mm। तो ये भी हमें पता चल गया है। अब क्लॉज 10.5.7.1.1 और क्लॉज 10.5.9 से हमें पता है कि P is equal to LW into throat thickness into FU upon root 3
गामा एम डब्ल्यू। तो ये हमने कैसे ऑब्टेन किया था, ये प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, सो आप उनको रेफर कर सकते हैं। इन दोनों क्लॉजेस की हेल्प से हमने ये ऑब्टेन किया था। पी की वैल्यू तो मेरे पास है, टी टी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी 4.2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टी टी इज इक्वल टू 4.2 mm। एफ यू, क्योंकि हमें वेल्ड मेटल का कुछ नहीं बताया है तो हम प्लेट मेटल का ही वैल्यू ले लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और गामा एम डब्ल्यू जो है वो इक्वल टू 1.5 है, क्योंकि शॉप वेल्डिंग है, सॉरी साइट वेल्डिंग है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, सो दिस इज साइट वेल्डिंग। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आप देखें तो मेरे पास पी की वैल्यू है, हमने अभी टीडीजी की वैल्यू को ही पी की वैल्यू मान लिया है, मेरे पास थ्रोट थिकनेस की वैल्यू है, मेरे पास एफ यू की वैल्यू है, मेरे पास गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू है, तो क्या बचा, एल डब्ल्यू बचा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम एल डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो आई कैन राइट पी इंटू रूट थ्री गामा एम डब्ल्यू अपॉन थ्रोट थिकनेस इंटू एफ यू विच इज इक्वल टू 222.27 इंटू 10 to the power 3। अब मैं ध्यान दें, मैं न्यूटन वाली वैल्यू यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमें एफ यू किस में दे रखा है, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, तो ताकि यूनिट सेम रहे और हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू आए, एरर ना हो, इसलिए मैं इसको न्यूटन में यूज करूंगी। रूट थ्री इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 410। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 335.35 mm। तो मेरे पास जो एल डब्ल्यू, जो लेंथ ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड है, वो कितना है, 335.35 mm की वेल्ड लेंथ मुझे रिक्वायर्ड है। अब हमने देखना है कि इस वेल्ड लेंथ को मैं यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप देख सकते हैं, ये जो ये एल डब्ल्यू होगा, ये किस इक्वल होगा, ये होगा एल डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री। तो ये हमें सिंपल लॉजिक से समझ आ रहा है कि जितनी टोटल रिक्वायर्ड लेंथ है और हमें तीनों साइड पे प्रोवाइड करनी है, तो ये क्या हो जाएगी, जो इधर लेंथ है प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तो ये हमारे पास एल डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। बट आप ध्यान रखें कि ये क्या दे रखा है, हमें एंगल दे रखा है, तो इसे हम ट्रस मेंबर भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम ट्रस मेंबर को वेल्ड से कनेक्ट करते हैं। सो अ ट्रस मेंबर इज कंपोज ऑफ अ सिंगल एंगल और अ डबल एंगल सेक्शन। या तो आप एक एंगल यूज करें या फिर आप दो एंगल यूज करें। फॉर ट्रस मेंबर्स द कैलकुलेटेड वेल लेंथ, कैलकुलेटेड वेल लेंथ क्या है, एल डब्ल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट करी है, इज प्लेस्ड एज फिलेट वेल्ड्स ईदर ऑन थ्री साइड्स और ऑन टू साइड्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लोड। तो या तो आप यहाँ पे इन दो साइड्स पे प्लेस करें जो पैरेलल है लोड के, या फिर आप कहाँ प्लेस करें, तीनों साइड पे प्लेस करें। तो ये आपके पास ऑप्शन है जब हम ट्रस मेंबर यूज कर रहे हैं। अ लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल लेंथ शुड नेवर बी प्लेस्ड ऑन वन साइड ओनली एज देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन। अगर आप सिर्फ एक ही साइड पे ये वेल्ड प्रोवाइड कर दें, मान लेते हैं कि एल डब्ल्यू की जो वैल्यू आई थी वो छोटी आई थी और आप एक ही जगह लेंथ पे प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो सेटिस्फाई हो जाती। पर उस केस में क्या प्रॉब्लम है, उस केस में आपका जो ये एंगल है ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो एंगल को हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं, ट्रस मेंबर, ट्रस मेंबर पे आपके पास एक एंगल हो सकता है, दो एंगल हो सकते हैं, चैनल सेक्शन हो सकता है या कोई और डिफरेंट टाइप का मेंबर हो सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने क्या यूज करा है, एंगल सेक्शन यूज करा है। सो फिर वो बोलता है कि अब अगर आप एंगल यूज कर रहे हैं, ये हमने अभी क्रॉस सेक्शन देखा था इसका अपने जॉइंट का, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, एंगल इज नॉट सिमेट्रिकल। और अगर कोई चीज सिमेट्रिक ना हो तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके एक्चुअल सेंटर में नहीं फॉल करता। आपको उसका एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो वेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना वो लोड लेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस हिसाब से ये हमें कैलकुलेट करके किसने दे रखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी एक्स एक्स हमें कैलकुलेट स्टील टेबल ने करके दे रखा है।
So the center of gravity of the weld should coincide with the centroid of the section. अब ये इम्पोर्टेंट है कि आपने जो वेल्ड बनाया है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो आपका एंगल है उसका जो सेंट्रोइड है वो क्या करने चाहिए, वो कोइंसाइड करने चाहिए. अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, अगर सपोज कीजिए कि वेल्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और आपका जो एंगल सेक्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो आपका ये सेक्शन रोटेट करके फेल कर जाएगा. तो हम ये तो नहीं चाहते हैं. हम क्या चाह रहे हैं कि जो वेल्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो एंगल सेक्शन या ट्रस सेक्शन, जो भी ट्रस मेंबर, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या करे, कोइंसाइड करे. तो उसको कोइंसाइड कैसे कराएंगे? इफ द मेंबर इज सिमेट्रिकल, अगर आपका मेंबर जो है वो सिमेट्रिकल है, द वेल्ड विल बी प्लेस सिमेट्रिकली. सिमेट्रिकली मतलब जितनी लेंथ यहाँ दे रहे हैं उतनी ही लेंथ आप यहाँ दे दीजिए, क्योंकि आपका मेंबर क्या है, सिमेट्रिक है. तो सिंपल काम है. पर अगर आपका मेंबर जो है वो अनसिमेट्रिक है, जैसे या एसिमेट्रिक है, जैसे कि आपका एंगल सेक्शन, हम देख सकते हैं इट इज एन एसिमेट्रिक सेक्शन. तो एसिमेट्रिक है एंगल या चैनल सेक्शन, उस केस में जो ट्रस मेंबर है उसकी लेंथ को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. द लेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड आर केप्ट ऑन टू साइड्स एज शोन इन द फिगर टू अचीव द अबव कंडीशन एंड बोथ दीज लेंथ आर डिफरेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि हम ये एंगल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज है आपके वेल्ड की और आपके एंगल सेक्शन की, इनको कोइंसाइड करा सके, हम क्या करते हैं, हम ये लेंथ ऑफ द वेल्ड को अनइक्वल रखते हैं, तभी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी. अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो हमारे पास इस, ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका क्रॉस सेक्शन है. तो क्रॉस सेक्शन में जब आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक वेल्ड बनाया है, यहाँ वेल्ड बनाया है. इस पर्टिकुलर केस में ट्रांसवर्स वेल्ड हमने कंसिडर नहीं किया है. तो हम बोलते हैं कि P1 जो है वो कौन सा लोड है, जो ये वाला वेल्ड एक रेजिस्ट कर रहा है, और P2 जो है वो कौन सा वेल्ड है, कौन सा लोड है जो नीचे वाला वेल्ड रेजिस्ट कर रहा है. ठीक है, ये वाला वेल्ड जो रेजिस्ट कर रहा है. अब क्या हो रहा है, टोटल लोड कितना है, टोटल लोड एक्ट जो आपके मेंबर पे कर रहा है दैट इज इक्वल टू पी. हमने क्या करना है, हमने सिंपली इनका मोमेंट लेना है. किसी भी वेल्ड के अबाउट आप क्या ले सकते हैं, मोमेंट ले सकते हैं रिमेनिंग फोर्सेस का. और वो मोमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो मतलब आपका जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेल्ड है और जो सेंट्रोइड है वो क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा. सिंपली क्या है, नेट मोमेंट किसी भी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो. सो आई कैन राइट सबमिशन ऑफ मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो, तभी मैं ये अचीव कर पाऊंगी, तभी मेरा जो जॉइंट है वो लोड को रेजिस्ट कर पाएगा. सो यहाँ पे आप देखें, ये P1 है, ये P2 है और ये टोटल लोड P है. तो हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर जॉइंट के अबाउट, पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए. तो मैं पॉइंट के ए के अबाउट मोमेंट्स कैलकुलेट करती हूँ, P इंटू सी एक्स सिक्स. P इंटू सी एक्स सिक्स क्या हो जाएगा, या H1 भी बोल सकते हैं इसको. ये कैसा मोमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है. तो P की वजह से मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है. अब नीचे वाले P2 की वजह से देखते हैं, P2 की वजह से मेरे पास क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है. तो ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट है ये इस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या कर देगा, नलिफाई कर देगा. नलिफाई मतलब कैंसिल कर देगा और आपके पास समेशन ऑफ मोमेंट्स कितना आ जाएगा, इक्वल टू जीरो. तो यही हमारा एम है कि समेशन ऑफ मोमेंट्स हमारे पास जीरो हो जाए. सिमिलरली जब आप इस जॉइंट की बात करेंगे जिसमें तीन साइड्स पे आपने प्रोवाइड किए हैं वेल्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मैंने अगेन ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे मैंने मोमेंट्स का सम क्या करना है, जीरो करना है. सो मैं P2 लूंगी, ये वाला जो वेल्ड लेंथ है उसकी वजह से जो लोड आ रहा है, जो रेजिस्टेंस आ रही है, ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P2 की वजह से रेजिस्टेंस आ रही है. फिर ये जो ट्रांसवर्स वेल्ड है इसकी वजह से P3 रेजिस्टेंस आ रही है, ये भी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है. पर अगर आप देखें जो लोड इस पे एक्ट कर रहा है उसकी वजह से रेजिस्टेंस कौन से डायरेक्शन में आ रही है,
एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है, तो इन दोनों जो मोमेंट्स हैं उन्होंने किसको नालीफाई करना है, उन्होंने इस काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट को नालीफाई करना है ताकि सम ऑफ मोमेंट्स क्या हो जाए, अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो. सो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो. ये अगर अचीव कर दिया तो हम ये अचीव कर पाएंगे. सो वो बोलता है लॉन्गिट्यूडनल वेल, द सेंट्रॉइड. या तो आपने सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेल्स मतलब ये केस है, या फिर आपने दोनों प्रोवाइड किए, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेल्स दोनों प्रोवाइड करे हैं. सो द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन शुड कोइंसाइड विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वेल्ड. ये तो हमें पता ही है, नॉन फैक्ट है कि अब सेंट्रॉइड जो है सेक्शन का, सेक्शन क्या है यहाँ पे एंगल, और जो वेल्ड का सेंट्रॉइड है उन्होंने कोइंसाइड करना है. सो नेट मोमेंट अबाउट लाइन पासिंग ईदर थ्रू एल वन और एल टू शुड बी इक्वल टू जीरो. तो मतलब समेशन ऑफ मोमेंट्स किसी भी वेल्ड के अबाउट क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो. तो इस केस में हमने अभी देखा था पी टू इंटू एच, एच क्या है, ये टोटल हाइट है यहाँ पे, तो पी टू इंटू एच, और ये पी की वजह से क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हम साइन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो मैंने उसको माइनस साइन ले लिया, तो माइनस पी इंटू एच टू इज इक्वल टू जीरो. इसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी हेल्प से आप पी टू कैलकुलेट कर लेंगे. वैसे ही अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करें ट्रांसवर्स वेल्ड और लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड का, द इफेक्टिवनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड कैन बी इंक्रीज बाय कनेक्टिंग द टू साइड वेल्ड विद एन एंड वेल्ड. एंड वेल्ड क्या होता है, ट्रांसवर्स वेल्ड, और साइड वेल्ड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड को बोला जाता है. तो आप इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर रहे हो अगर आप ये थर्ड साइड को भी वेल्ड कर दो. When the weld length to be provided cannot be accommodated over the two parallel sides because of limited overlap, it may be the only choice. अगर आपका जो overlap length है वो limited है, आप बहुत लंबा overlap नहीं provide कर सकते, तो आपको यहाँ पे transverse weld provide करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई choice नहीं है. तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, हम point A के about जो moments हैं उनको zero कर रहे हैं. So I can write summation of moments about point A equal to zero. मैंने क्या किया है, P2 into H, ये P2 है और ये हाइट कितनी है H, तो P2 into H हो गया मोमेंट अबाउट पॉइंट A. P3, अब क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेल्ड है और ये यूनिफॉर्म है, तो इसकी जो सेंट्रॉइड होगा इस पर्टिकुलर वेल्ड का वो कहाँ पे एक्ट करेगा, H by 2 पे, सेंटर पे एक्ट करेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, P3 into H by 2. तो P3 into H by 2, ये सारे कैसे थे, क्लॉकवाइज था. अब ये जो ये लोड, एक्सटर्नल लोड P है, इसकी वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस. और ये कितनी हाइट पे एक्ट कर रहा है, ये H1 हाइट पे एक्ट कर रहा है. H1 हाइट क्या है, जो भी आपका सेंट्रॉइड CXX से जो डिस्टेंस है आउटस्टैंडिंग लेग का. सो P इंटू एच वन इज इक्वल टू जीरो, और आपने सिंपली मोमेंट्स कैलकुलेट करके इसको ऑब्टेन कर लेना है. सो न्यूमेरिकली कैसे करते हैं वो देखते हैं. अब हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, हमने बोला था कि एल डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एल डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, और हमने साथ में बोला था कि एल थ्री जो है वो किसके इक्वल है, 80 mm के है, क्योंकि ये तो लेग लेंथ है हमारे एंगल की, ये चेंज नहीं हो सकती, ना आप इसको कम कर सकते हो ना आप इसको बढ़ा सकते हो, तो दिस इज कॉन्स्टेंट. सो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 335.35 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 255.35 mm. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम वेल्ड के साइज को डिक्रीज तो नहीं करेंगे, बट अपनी कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए मैं इस टर्म को राउंड अप कर रही हूँ. तो 255.35 को मैं सिंपली क्या लिख दूंगी, 256. तो दिस विल बी 256 mm. अब हमने 256 mm प्रोवाइड करना है, और हमें ये भी पता है कि L1 जो है वो L2 के इक्वल नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, तो हो भी नहीं सकता क्योंकि ये एंगल सेक्शन है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट लेंथ के लिए. पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब है, कि हम अज्यूम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि
कि एल डब्ल्यू जो हमें चाहिए वो किसके इक्वल है, 1 mm के इक्वल है। तो हम क्या निकालेंगे, हम टी डी डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसमें एल डब्ल्यू कितना होगा, 1 mm। तो टी डी डब्ल्यू का फॉर्मूला था सिंपली एल डब्ल्यू इंटू टी टी इंटू एफ यू अपॉन √3 गामा एम डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर मुझे सिर्फ आपने 1 mm लेंथ दिया होता वेल्ड का, सिर्फ 1 mm दिया होता, तो मैं कैसे उसको कैलकुलेट करती, तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ होनी थी, उसने कितना लोड रेजिस्ट करना था। तो हम इनडायरेक्टली क्या निकाल रहे हैं कि 1 mm लेंथ जो है वेल्ड का वो कितना लोड रेजिस्ट कर रहा है। सो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वैल्यूज होंगी, एल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 mm, क्योंकि हम 1 mm वेल्ड की लेंथ की वजह से स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। टी टी वही रहेगा 4.2, एफ यू विल बी 410 √3 इंटू 1.5। सो ये कैलकुलेट होके आता है 662.798 न्यूटन। तो अगर आपके पास 1 mm का वेल्ड होता, 1 mm लेंथ का वेल्ड होता, तो उसने कितना लोड रेजिस्ट करना था, 662.798 न्यूटन वेल्ड लोड रेजिस्ट करना था। तो ये आ गया हमारे पास 1 mm लेंथ के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। सो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा एंगल सेक्शन पे। तो अगर आप ये क्रॉस सेक्शन देखें तो इसका मतलब ये है कि P1 जो है वो P2 के इक्वल नहीं है, कोई वेल्ड ज़्यादा लोड रेजिस्ट कर रहा है और कोई वेल्ड कम लोड रेजिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं। अब हमने ये CXX मार्क कर दिया है, XX क्या है, जो एक्सेस जिसके अबाउट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास कर रहा है अलोंग दी एक्स एक्सेस। यहाँ पे हमने ये लोड इस वेल्ड की वजह से, जो L1 वेल्ड है इसकी वजह से P1 लोड रेजिस्ट हो रहा है और L2 वेल्ड की वजह से P2 लोड रेजिस्ट हो रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास एक वेल्ड है जिसकी वजह से P3 लोड रेजिस्ट हो रहा है, और इस लोड को मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर रही हूँ, और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ये सेंटर में एक्ट करेगा। सेंटर में किस कैसे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म है, और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर में। इसका सेंट्रोइड कहाँ पे रहेगा, सेंटर में रहेगा, क्योंकि ये एक लेंथ ही है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ h/2। h कितना है हमारे पास, 80, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 40 mm। अब ये जो एक्सटर्नल लोड P है ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ये हमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा। सो मोमेंट्स लिखते हैं अबाउट पॉइंट ए, तो मैं सिंपली लिखती हूँ समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट वेल्ड L1, क्योंकि ये वेल्ड कौन सा है, L1 वेल्ड है, तो अबाउट वेल्ड L1 शुड बी इक्वल टू 0। सो मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, P1 की वजह से पॉइंट ए पे कोई मोमेंट आएगा, कोई मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू 0 है। तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं P1 इंटू 0 लिख रही हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है P1 का, 0 है। फिर बात करते हैं P2 की, तो P2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है, इस लेग लेंथ के इक्वल है। लेग लेंथ कितनी है हमारे पास, 80 mm। सो आई कैन राइट प्लस, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन है P1 वाला, सो P2 इंटू जो भी लेग लेंथ है दैट इज इक्वल टू 80। या फिर और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, L3 भी लिख सकती हूँ। सो अभी हम लिखते हैं इसको L3। फिर आते हैं हम P3 पे, तो P3 क्या हो जाएगा, P3 आपको फिर से सेम डायरेक्शन में, P2 की डायरेक्शन में दे रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहा है। सो आई कैन राइट P3 इंटू L3/2। L3/2 क्यों, क्योंकि ये P3 कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर में एक्ट करेगा। सो P3 इज इंटू L3/2। अब बात करते हैं इस P की, जो एक्सटर्नल लोड की वजह से है, ये हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, तो -P इंटू, अब ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एंगल सेक्शन की। तो एंगल सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटस्टैंडिंग लेग से कितनी है, 27.3 mm है।
हमें तो कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा, ये वाला डिस्टेंस होगा 80 mm माइनस 27.3। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लेते हैं। अब हमारे पास कोई लोड नहीं बचा है, तो इनका सारा जो समेशन होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू जीरो। तो अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, क्योंकि पी वन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो मैं पी वन नहीं ले रही हूँ। पी टू हमें नहीं पता है, तो हम पी टू को ऐसे ही रहने देंगे। एल थ्री, एल थ्री की वैल्यू कितनी है, एल थ्री इज इक्वल टू 80। सो एल थ्री हमने लिख दिया इक्वल टू 80 mm। प्लस पी थ्री, पी थ्री किसके इक्वल है, पी थ्री इज इक्वल टू अननोन, तो अभी हमने इसको भी ऐसे ही रहने दिया। L3 किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 2। P किसके इक्वल है, P इज इक्वल टू 222.27 इंटू 10 टू द पावर 3। ये हम न्यूटन्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, और 80 माइनस 27.3 होता है इक्वल टू 52.7। अब ये सारा किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब आप एक चीज नोट करें ध्यान से, अब हमारे पास इक्वेशन तो एक है, एक इक्वेशन है, पर अननोन्स कितने हो गए, तो एक अननोन है P2 और दूसरा अननोन हो गया P3। तो ये इक्वेशन हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाए, ये अननोन्स हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन है। पर अभी हमने कुछ कैलकुलेट किया था, हमने क्या कैलकुलेट किया था, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ। तो 1 mm का जो वेल्ड है वो हमें कितनी रेजिस्टेंस देता है उसकी वैल्यू मुझे पता है। सो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ पी टू, पी टू की कितनी होगी, जो भी हमारी एक यूनिट लेंथ मतलब 1 mm की वेल्ड जो रेजिस्टेंस दे रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, लेंथ कितनी है एल टू। सो मैं पी टू को कैसे लिख सकती हूँ, पी टू कैन बी रिटन एज 662.798 इंटू L2। L2 अब मेरे पास अननोन है, तो मैंने L2 को ऐसे ही रहने दिया। फिर देखिए, फिर हम P3 कैसे लिख सकते हैं, P3 इज इक्वल टू TDW, अगेन जो 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ है, इंटू L3। L3 कितना है, L3 हमें पता है, L3 इज इक्वल टू 80 mm। सो मैं लिख सकती हूँ 662.798 into L3 which is equal to 80 mm। so ये हमारे पास P2 और P3 की वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास अननोन सिर्फ क्या बचा, L2 ही अननोन बचा, बाकी तो सारे अननोन्स सॉल्व हो गए। तो मैंने P2 और P3 को रिड्यूस कर दिया कितने अननोन्स में, एक ही अननोन में। सो आई कैन राइट, सो हमने क्या किया है, P2 और P3 को दो अननोन्स को रिड्यूस करके सिर्फ एक अननोन में कर दिया है, दैट इज L2। तो अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ, मेरे पास आता है वैल्यूज इक्वल टू 530.23.2 L2 प्लस 212.09.28 माइनस 117.13.629 इक्वल टू जीरो। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 530.23.2 L2 इज इक्वल टू 959.2701। सो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास L2 की वैल्यू आ जाती है 180.9 mm, जिसको मैं राउंड अप कर दूंगी और कितना लिखूंगी, 181 mm। हम कम नहीं कर सकते, पर हम बढ़ा सकते हैं। अगर 180.1 भी होता तो भी हम कितना mm ले लेते, 181 mm ले लेते। So, यहाँ पे हमने L1, L2 कितना दे लिया है, कितना ऑब्टेन कर लिया, L2 इज इक्वल टू 181.181 mm। तो ये जो ये लेंथ है, हमें ये पता चल गई है। अगर आपको याद हो तो पीछे हमने कैलकुलेट किया था कि जो LW है, ये LW किसका सम है, L1, L2 और L3 का सम है। तो अब इसकी हेल्प से हम L1 कैलकुलेट कर सकते हैं। So, क्या हो जाएगा, एल डब्ल्यू इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री विच इज इक्वल टू 335.35, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 336 mm।
अब हमारे पास इनमें से दो वैल्यूज तो आ गई हैं। दो वैल्यूज कौन कौन सी है, एल वन अननोन है, प्लस हमारे पास एल टू कितनी है 181 mm, और एल थ्री तो हमेशा से कितनी थी 80 mm, विच वॉज इक्वल टू 336 mm। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से एल वन विच विल बी इक्वल टू 75 mm। तो अब हमने सारे अननोन्स ऑब्टेन कर लिए हैं, हमें पता है कि L1 कितना होगा, L1 will be equal to 75 mm, L2 will be equal to 181 mm and L3 will be equal to 80 mm, जो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने ओवरलैप लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ओवरलैप लेंथ कितनी होगी, ओवरलैप लेंथ होगी L2 के इक्वल, जो भी लॉन्गेस्ट आपके पास L1 और L2 में से जो भी लॉन्गर वेल्ड है वो क्या डिसाइड करेगा, वो आपकी ओवरलैप लेंथ हो जाएगी। तो ओवरलैप लेंथ कितनी होगी हमारे पास 181 mm। इफेक्टिव लेंथ LW तो हमारे पास 336 mm हो गई, पर ओवरऑल लेंथ कैसे निकालेंगे, ओवरऑल लेंथ के लिए हम क्या ऐड करते थे, ओवरऑल लेंथ के लिए हम 2s ऐड कर देते थे एज पर क्लॉज 10.5.4.1। तो आपने क्या करना है, प्लस 2s ऐड कर देना है। साइज ऑफ द वेल्ड कितना था, LW तो 336 mm है, प्लस 2 इंटू एस दैट इज 12 mm ऐड करना है। 12 mm जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 348 mm। तो ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी 348 mm। यहाँ पे हम इस 340 ये 2s यहाँ पे मैं शो कर सकती हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम एज तक लेके जा रहे हैं अपना वेल्ड, तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एंड पे, इस पर्टिकुलर एंड पे हमें एंड रिटर्न प्रोवाइड करनी होगी। एंड रिटर्न की वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, इक्वल टू 2s मतलब 12 mm यहाँ पे भी प्रोवाइड करना होगा। सो ये वैल्यू भी कितनी है 12 mm, और ये वैल्यू भी कितनी है इक्वल टू 12 mm। तो अब जाके आपका जो वेल्ड है वो कंप्लीट हुआ है। 75 mm तो आपको नेसेसरी थी, आपने साइड पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा 12 mm। ये L3 हम प्रोवाइड करते ही, L2 भी हमने प्रोवाइड करना था, बट ये एंड पे आ गया, एज पे आ गया, तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, एंड रिटर्न प्रोवाइड करेंगे अगेन कितने की, 12 mm की। तो ये ग्रीन से लेके येलो एज वेल एज दिस ग्रीन, ये सारा मिल के आपका क्या बनाएंगे, वेल्ड बनाएंगे ये। सो दिस वॉज अ लॉन्ग लेक्चर, बट यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा है फिलेट वेल्ड्स के डिजाइन का फॉर ट्रस्ट मेंबर्स। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।